नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। लगभग 16 महीने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मौका होगा G20 के विदेशी मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए रात्रि भोज का, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी राष्ट्रपति ने निमंत्रण दिया है। बताया गया कि नीतीश कुमार इस भोज में शामिल होने के लिए शनिवार को दिल्ली रवाना होंगे। बता दें कि राष्ट्रपति ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस विशेष रात्रि भोज में आमंत्रित किया है। पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश को लेकर भारत धर्म संकट की स्थिति में है। भारत के करीबी माने जाने वाले दोनों ही देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक पद के लिए अपने उम्मीदवारों को नामांकित करने का फैसला किया है। 9-10 सितंबर को आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से इतर इस चुनाव को लेकर भी बात होने वाली है। ऐसे में भारत के लिए नेपाल और बांग्लादेश में से किसी एक को चुनना और उसके उम्मीदवार के पक्ष में वोट करना काफी मुश्किल होने वाला है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटी साइमा वाजेद बांग्लादेश की तरफ से WHO क्षेत्रीय निदेशक पद की उम्मीदवार है और नेपाल की तरफ से शंभू प्रसाद आचार्य पद के उम्मीदवार हैं। दुनिया की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर कंपनी फॉक्सकॉन के प्रमुख यंग लू ने दावा किया है कि चीन को विश्व का उत्पादन हब बनाने में करीब 30 साल लग गए थे। इसकी तुलना में भारत इतना वक्त नहीं लेगा। भारत के सामने बहुत कुछ वैसी ही परिस्थितियां आएंगी जैसी चीन के सामने विकसित होकर आई थी। फिर भी 30 साल पहले के मुकाबले इस बार चीजें अलग होगी। आज वातावरण 3 दशक पहले जैसा नहीं है। उस समय हमारे पास जनरेटिव AI या किसी अन्य तरह का AI नहीं था, आज है। बीते कुछ वर्षों में भारत में हो रहे विकास को हर कोई देख सकता है। अब समय आ गया है एक देश तौर पर पूरी तरह विकसित होने की भारत की बारी है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में BJP ने गठबंधन दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर दिया है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर BJP खुद 30-31 पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। LJP के दोनों गुटों चिराग पासवान की लोजपा रामविलास पशुपति कुमार पारस की रालोजपा को 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की रालोजपा को 2 और जीतन राम मांझी की हमको 1 सीट देने की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ा झटका लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान को लगा है, जिन्हें 3 सीट मिलती नजर आ रही। इंडिया की जगह भारत लिखे जाने के बीच यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि सरकार जल्द ही संविधान में संशोधन कर सकती है। सबके बीच मामले को लेकर चीन का भी बयान आया है। चीन ने भारत बनाम इंडिया के मुद्दे पर बिना मांगे ही सलाह दे दी है। चीन के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें कहा है कि भारत और इंडिया के अलावा भी देश में कई अन्य अहम मुद्दे हैं। चीन ने कहा कि मायने यह रखता है कि क्या भारत अपनी आर्थिक प्रणाली में सुधार कर सकता है या नहीं। भारत क्रांतिकारी सुधारों के बिना क्रांतिकारी विकास हासिल नहीं कर सकता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन के बाद भारत दुनिया का तीसरा स्पेस स्टेशन बनाएगा। कई मायनों में यह ISS और चीन के स्पेस स्टेशन से खास होगा। भारत की ओर से जो स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा उसका भार 20 टन होगा, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भार तकरीबन 450 टन और चीनी स्पेस स्टेशन का वजन तकरीबन 80 टन तक है। इसरो की योजना इसे इस तरह तैयार करने की है ताकि इसमें 4 से 5 अंतरिक्ष यात्री रह सके। इसे धरती की निम्न ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। भारत 2030 तक अपने को पूरा करेगा। राजधानी दिल्ली में होने जा रही G20 समिट पर कोरोना का साया नजर आने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन की कोविड रिपोर्ट पहले ही पॉजिटिव आ चुकी है और अब स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है। सांचेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, लेकिन भारत की यात्रा नहीं कर पाऊंगा। G20 समिट में स्पेन का प्रतिनिधित्व कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नादिया कैलिवनो और विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेडिश करेंगे। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, इसके साथ ही देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाएगी। कहा जा रहा है कि पर्व त्योहारों पर यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके, इसके लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर रेलवे ने कहा है कि अब कोटा के तहत टिकट कंफर्म कराने वालों का अफसर और यात्री के बीच के संबंध की जानकारी देनी होगी। इसके लिए अफसर को एक फॉर्म भरना होगा। कहा जा रहा है कि रेलवे की ऐसी जानकारी मिली थी कि वेटिंग टिकट कंफर्म कराने के लिए उसके अधिकारी सांसद कोटा की आड़ में गड़बड़ी कर रहे हैं, इससे जरूरतमंद लोगों का टिकट कंफर्म होने में दिक्कत आ रही है। भारत देश लगातार प्रगति कर रहा है, वहीं विश्व भी लगातार भारत में इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। इस बीच भारत को लेकर अहम जानकारी आई है और इसमें देश के एक सेक्टर के कारोबार में इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि भारत के कृषि रसायन उद्योग में चीन से प्रतिस्पर्धा के बावजूद मौजूदा 9% से अधिक बढ़ने की क्षमताएं हैं। उन्होंने एग्रोकेम फेडरेशन ऑफ इंडिया से कृषि रसायनों के व्यापार को आसान बनाने पर एक प्रस्ताव लाने का आग्रह किया है। RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कल BJP को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। ऐसे में अब उनके इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि हमारा बयान जगदानंद सिंह से कुछ अलग है। ये लोग टीका चंदन लगाकर चाटुकारिता करते हैं और अब ये लोग हिंदू मुस्लिम करके देश का बंटवारा करना चाहते हैं, जो कि इनसे हुआ नहीं तो फिर ये लोग इंडिया और भारत के नाम पर बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं।
डीएमके नेता उदय निधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर सवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमला बोल रही है। अब इस मुद्दे पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान भी सामने आया है। लालू ने कहा है कि इसका निराकरण श्री कृष्ण भगवान करेंगे। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ढोंगी है, पागल हो गई है, क्योंकि वे कोई भी मुद्दा कर रही है। हम सभी का एक ही मालिक है, परमात्मा से कोई बड़ा नहीं है। लालू ने कहा कि इंडिया एक संगठन हम लोगों ने बनाया है और विजय बिल्कुल हमारी होगी। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तेजी से निर्माण कार्य करने में जुटा है, लेकिन अब भारत भी पीछे नहीं है। सीमा सड़क संगठन के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने गुरुवार को कहा कि भारत अगले 2 से 3 वर्षों में चीन को पछाड़ देगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा के 3488 किलोमीटर के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। एएनआई से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बीआरओ चीफ ने कहा कि पिछले 2 से 3 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए की 295 परियोजनाएं पूरी की गई है। सनातन धर्म पर किए गए कमेंट को लेकर डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदय निधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उदय निधि मारन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इसके साथ साथ नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए स्वतः संज्ञान नहीं लेने पर चेन्नई पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग भी की गई है। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दुनिया को चिंता में डाल दिया है। मौत के बढ़ते आंकड़ों से WHO भी हैरान है। EG5 ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ने की जानकारी मिल रही है। इसमें एशिया मिडिल ईस्ट के देश भी आगे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए सभी देशों से COVID-19 से जुड़ा पूरा डेटा शेयर करने की अपील की है। WHO के डायरेक्टर ने कहा यूरोप में कोरोना की वजह से भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है, जबकि एशिया और मिडिल ईस्ट में मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को रात्रि भोज के लिए इनवाइट किया है। दोनों ही नेता शुक्रवार के दिन यानी कि शाम 7:30 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित पीएम मोदी की आवास पर मिलने वाले हैं। साथ ही G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो बाइडेन आज शाम दिल्ली पहुंच जाएंगे और इसके बाद वह पीएम मोदी के साथ डिनर करेंगे। साथ ही दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का यह पहला भारतीय दौरा है। जो बाइडेन और पीएम मोदी यह दूसरी बार स्पेशल डिनर करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में दाखिल रिटर्न के वेरिफिकेशन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम को घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। खास बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 16 दिन और वित्तीय वर्ष 2019-22 में 82 दिन था। क्रिसील की बृहस्पतिवार को जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक औसत भारतीय घरों में खाई जाने वाली शाकाहारी थाली की कीमत एक साल के भीतर अगस्त 2023 में 24% बढ़ गई है। मांसाहारी थाली भी 13% महंगी हो गई है। हालांकि मासिक आधार पर अगस्त में शाकाहारी थाली 0.6% व मांसाहारी थाली 0.4% सस्ती हुई है। 12 सितम्बर को अगस्त के खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। शाकाहारी थाली की महंगाई में सबसे ज्यादा 21% हिस्सा टमाटर का है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति अदालतों द्वारा दिए गए आदेशों और वचनों की अवज्ञा करता है वे दया के पात्र नहीं है। उन्होंने अदालतों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे बेईमान वादियों द्वारा पेश की गई माफी को स्वीकार करने में धीमे रहें जो इसे शक्तिशाली हथियार और कानूनी चाल के रूप में उपयोग करते हैं। शीर्ष अदालत ने यह चेतावनी गुजरात उच्च न्यायालय के एक मामले का फैसला करते समय दी जिसने 2015 में अदालत को दिए गए एक मौखिक वचन का उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत 5 व्यक्तियों को सजा सुनाई थी। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को G20 मंत्रियों की बैठक होनी है। शिखर सम्मेलन को भव्य बनाने के लिए सरकार ने सभी तैयारियां की है। विदेशी मेहमानों को भारतीय अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन करेगा। इसके लिए डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन भारत मंडपम में बनाया गया है, जहां विदेशी मेहमानों को भारत की नई चीजों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। भारत सरकार ने भारत मंडपम के हॉल 4 और 14 में डिजिटल इंडिया अनुभव क्षेत्र में एक खास AI चैटबॉट भी इंस्टॉल किया है, जो मेहमानों को उनके सवालों के जवाब भगवद गीता के आधार पर देगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता उदय निधि के सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी पर मुस्लिम समुदाय में भी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश में मौलवियों ने उदय निधि से माफी की मांग की है, साथ ही इंडिया गठबंधन से सफाई की भी मांग की है। सिया सुन्नी उलेमा फ्रंट के महासचिव मौलाना हबीब हैदर का कहना है कि यह अधिकार किसी को नहीं है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा यह अपमानजनक टिप्पणी है और उदय निधि स्टालिन को दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक के खिलाफ ऐसे बयान देने के लिए माफी मांगनी चाहिए। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी विधायक गौतम गंभीर का 2023 एशिया कप टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान भीड़ को बीच की उंगली दिखाने वाला एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है कि गौतम गंभीर ने जिस वक्त उंगली दिखाकर रिएक्शन दिया, भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। वीडियो के तथ्यों की पड़ताल करने पर पता चला कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। वायरल वीडियो के साथ बैकग्राउंड वॉइस को पूरी तरह बदल दिया गया। वीडियो के बैकग्राउंड में चल रहे डायलॉग को मूल वीडियो से एडिट किया गया और भारत विरोधी नारों को ऑडियो एंड किया गया, जबकि वास्तविक वीडियो में कोई भारत विरोधी नारा नहीं लग रहा था। जगह भीड़ को कोहली कोहली का नारा लगाते हुए सुना जा सकता था।
अब बैंक अकाउंट खोलना बहुत आसान हो जाएगा। दरअसल एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एक नए फीचर का ऐलान किया है, जिसकी मदद से ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन पर आधारित ईकेवाईसी करके सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। यह फीचर साल 2023 के अंत तक लाइव हो जाएगा। यह सुविधा यूजर्स को देश में कहीं से भी मिनटों के भीतर ईकेवाईसी के रूप में फेस बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके बैंक के साथ डिजिटल रूप से अकाउंट खोलने की अनुमति देगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक अपने इस मोबाइल ऐप पर इस सुविधा का परीक्षण करने वाला देश का पहला बैंक है। भारत संघ रस्तों में आई खटास के बीच पाकिस्तान हिंदू और सिख श्रद्धालुओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की केयर टेकर सरकार की तरफ से इस पर बयान आया है। पाकिस्तान के कार्यकारी धार्मिक मामलों के मंत्री अनीक अहमद ने बताया कि पाकिस्तान ने कुछ कदम उठाए हैं, जिससे वहां पहुंचने वाले हिंदू और सिख श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा किया जा सके। मंत्री ने माना कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय रस्तों में आई खटास की वजह से कम लोग वहां पहुंच रहे हैं। अनीक अहमद ने ये बातें इवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड के दौरे के वक्त कही। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा गया है कि राहुल गांधी ने यूरोपीय संसद में एमईपी के साथ एक गोलमेज बैठक में भाग लिया। इस बैठक में यूरोपीय संसद के सदस्य और भारत ईयू संबंधों की समन्वयक अल्वीना अल्मेत्सा और संसदीय बजट पर्यावरण और रोजगार विभाग के प्रमुख और यूरोपीय संघ संसद के सदस्य पियरे लैरा उडरो भी शामिल थे। वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सऊदी अरब और रूस ने मिलकर एक बार फिर से तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया है। दोनों देशों ने इस साल के अंत तक कच्चे तेल का उत्पादन 13 लाख बैरल कम करने पर सहमति जताई। समाचार एजेंसी एपी का रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और रूस की तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। पिछले साल नवंबर के बाद से ब्रेंट क्रूड की कीमत कभी इतनी ऊपर नहीं गई थी। सऊदी रूस के इस कदम से वैश्विक बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेगी। इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विधानसभा 2 और 3 से ऐतिहासिक पहल की जा रही है, यानी अब इंदौर स्वच्छता के बाद स्वास्थ्य की राजधानी बनेगा। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य इंदौर की शुरुआत होगी। विधानसभा क्षेत्र 2 और 3 के बीजेपी कार्यकर्ता स्वास्थ्य दूत बन रहे हैं, जहां दोनों विधानसभा क्षेत्रों के हर घर के हर सदस्य की स्वास्थ्य कुंडली भी बनेगी। इतिहास में 8 सितंबर का दिन बहुत सुरीली और शोक गायिका आशा भोसले के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। हजारों गीतों का अपनी आवाज से अमर बना देने वाली आशा भोसले को भारतीय सीने जगत के सर्वकालिक महान गायिकाओं में गिना जाता है। 8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा ने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी बहुत से गीत गाए हैं। G20 सम्मेलन से पहले द इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि शांति की अपील कर भारत ने बेहतर तरीके से अपने संप्रभु और आर्थिक हितों को प्रथम स्थान देकर सही काम किया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष और चीन एवं पश्चिमी देशों के बीच तनाव के कारण विश्व व्यवस्था में बहुत बदलाव आ चुका है। इस नई व्यवस्था के संचालन में भारत ने अहम रोल निभाया है और आज वैश्विक तौर पर भी भारत की साख बढ़ी है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ननुगुल कुमार, मोहम्मद फहीम, अनुपमा कुमारी, नौशद अंसारी, मोहम्मद सकीर हुसैन, अर्जुन राम, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, अजीत पोरस, विपिन वर्मा, आयुष थिरानी, गौतम राधेराज, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा बिहार का नाम रोशन किया गया है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।